मैथ में सी आई है जो थोड़ा सा मतलब अर्धवार्षिक करके दे रहा है। पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? और दूसरा प्रश्न था, फराह खान को किस फिल्म में अवार्ड दिया गया है? फराह खान को किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया? ऑप्शन वगैरह था मंगल और दिल बेचारा, ये सब था। और श्वेत का विलोम आया था, श्वेत का विलोम। हाँ एगो और महाबली गंगा नदी किस देश में है? अच्छा महाबली गंगा नदी। हाँ। दूसरा था जैसे कि, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट टेक। दोस्तों एसएससी जीडी का 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। हम खड़े हुए एक सेंटर के बाहर, जैसे ही उसे निकलना स्टार्ट होते हैं पूछेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। जैसे जीके जीएस की बात करें तो करंट अफेयर कब का पूछा गया था, सारा कुछ एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से बनेगा, तो आप बने रहिए। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? हम तो 70 के भी हैं। 70? 70। 77? नहीं 70। 70। कोई प्रश्न याद है आपको? प्रश्न नहीं याद है लेकिन चैप्टर याद है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क सब, मतलब लगभग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन था। रीडिंग ज़्यादा अच्छा था। हाँ एडवांस का भी क्वेश्चन। कितना प्रश्न था? मैथ हम ज़्यादा टच नहीं किए थे, रीजनिंग, इंग्लिश हम किए थे। ठीक है, कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ वही टोक्यो ओलंपिक किसको मिला है 2011? टोक्यो ओलंपिक से क्या था? यही कि किस देश का ये जीता पेपर देखा रहे आप? कितना अटेम्प्ट किए आप? 96 अटेम्प्ट। 96। कोई प्रश्न बताइए आप। प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न जो था वो ज़्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था, ठीक था। जीके का प्रश्न थोड़ा अच्छा आया था जिसमें करंट अफेयर 2018 का भी था, एक प्रश्न 2018 से था, 19-20 से भी प्रश्न था और 2021 का भी था। करंट अफेयर से कितना प्रश्न था? करंट अफेयर से कुल मिला के 8-10 प्रश्न करंट अफेयर। हाँ 8। कोई प्रश्न बताइए करंट अफेयर का आपको? पूछा था उसमें कि पीवी सिंधु 2021 में जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीती थी किसको हरा के जीती थी, वो था। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग आज ये पेपर देखा रहे आप लोग? हाँ ऐसा प्रश्न था। और हाँ कुछ और स्टैटिक जीके से ज़्यादा प्रश्न था, इसमें नाहरगढ़ किला किस राज्य में ये पूछा गया था। और हिंदी का प्रश्न भी अच्छा था। हिंदी का क्या था कोई बताइए? हिंदी में वही बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा था। हाँ और पूछा था जो जन्म से अंधा उसका अनेक शब्दों का एक शब्द। उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ टफ क्वेश्चन सिर्फ था वो मैथ का था, कैलकुलेटिव था, समय लेने वाला था। अनुच्छेद से कोई प्रश्न था? अनुच्छेद से नहीं था, एक प्रश्न था जीके में कि मानसिक रोगी को अच्छे ढंग से जीने के लिए किस समय कानून बना था। अच्छा। कौन सा धारा जो है भारत का, कौन सा धारा मानसिक रोगी को अच्छी तरह से कानून बनाने में हेल्प किया था, तो वो था आईपीसी का धारा कुछ था उस तरह का, उससे प्रश्न था। एक अनुच्छेद नहीं था। ओलंपिक से संबंधित कोई? ओलंपिक से संबंधित था, तीन प्रश्न था ओलंपिक से, दो से तीन प्रश्न था। एक तो पीवी सिंधु से था, एक और प्रश्न था जो हमको याद नहीं है, लेकिन दो तीन प्रश्न ओलंपिक से था। पेपर देखा रहे आप लोग? थोड़ा सा जी, कितना अटेम्प्ट किया आप? 74। पेपर देखा रहे? 74 अटेम्प्ट किए थे। आप कितना अटेम्प्ट किए? 95। आप कितना अटेम्प्ट किए? 73। कोई प्रश्न बताइए आप लोग? वो था रीजनिंग से भी, ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, दो तीन क्वेश्चन पूछा गया था। अकबर का मृत्यु से आया था, अकबर का मृत्यु कब हुआ था? अकबर का मृत्यु कब हुआ था? और कोई प्रश्न? और जीएस में था कि आइडिया और किसके साथ वोडाफोन के साथ मर्ज हुआ है 2020 में, सब क्वेश्चन आया था। हाँ ओलंपिक से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ तीन क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था ओलंपिक से? एक तो पीवी सिंधु वाला। हाँ पीवी सिंधु वाला था। और क्या था आप लोग बताओ? हॉकी टीम का अस्वस्थ का पर्यायवाची सब था। और इसके अलावा था और करंट अफेयर। कितना टाइम किया है? 92। 92 किया है, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न याद है आपको? जी सर बताइए, 2020 में ओलंपिक में कौन था जो शामिल नहीं हुआ था? अच्छा। वो मिल्खा सिंह थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द था, पर्यायवाची शब्द में था डायरेक्टली कि उसमें छांटना था। अच्छा। कि कौन पर्यायवाची शब्द है इसमें? तीन को दे दिया था विलोम शब्द, तो एक पर्यायवाची शब्द था उसमें, ठीक है। और उसमें प्रश्न था मैथ से, मैथ में सी आई है जो थोड़ा सा मतलब अर्धवार्षिक करके दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दे रहा है, मतलब जो साल दे रहा। हाँ जी जी, अर्धवार्षिक में दे रहा है, फिर 9 माह का दे रहा था। और मैथ जो है फिर एसआई से था एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से था, प्रॉफिट ऑफ लाइफ से, तो दो क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। उसमें विक्रयमूल्य निकालने के लिए था, एक में लाभ परसेंट निकालने के लिए था, और अगला जो था एक था प्रॉफिट एंड लॉस से, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, घुमा के दे दिया। मैथ में एडवांस से पूछा गया था क्या? जी जी एडवांस से पूछा गया था, शंकु से एक पूछा गया था, और शंकु में एक था जिसमें सिर्फ आयतन ही पूछ दिया था, और एक था जो घुमा के पूछ दिया था, ठीक है ना, जैसे 3-4 स्टेप किया जाएगा। आसानी था लेकिन कैलकुलेटिव था। हाँ और बोर्ड मार्क्स से था दो क्वेश्चन,
जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। अच्छा। ठीक है ना, तो समय लेने के लिए टाइम टेकिंग था। आप लोग कितना टाइम किया, आप कितना टाइम किए हैं? हम तो 80 प्लस बनाए। 80, कोई प्रश्न याद है आपको? चलिए, हाँ प्रश्न याद है, पर एक तो प्रश्न था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? और दूसरा प्रश्न था फराह खान को किस फिल्म में अवार्ड दिया गया है? फराह खान को किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया? ऑप्शन वगैरह था मंगल और दिल बेचारा, ये सब था। और श्वेत का विलोम आया था, श्वेत का विलोम। हाँ एगो और महाबली गंगा नदी किस देश में है? अच्छा, महाबली गंगा नदी। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा था जैसे कि पौधे के विज्ञान को क्या कहते हैं? और एक था उसमें कि बेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? तो त्वरण हो जाए। हाँ, फिजिक्स से था त्वरण। बायो से कोई प्रश्न था? बायो से हीरो एगो फुल साइंस है, तो बस एक क्वेश्चन, एक साइंस, बस एक क्वेश्चन। अनुच्छेद से कोई प्रश्न हो? जी जी, मौलिक अधिकार में कौन सा मतलब शामिल नहीं था? अच्छा, ऑप्शन दिया था इनमें से जी। हाँ, मौलिक अधिकार नहीं है। एक तो हिस्ट्री से आया था, अकबर की मृत्यु कब हुआ था? अच्छा, अकबर का मृत्यु कब हुआ था? और कोई पॉलिटी से कोई प्रश्न था? पॉलिटी से धारा से भी क्वेश्चन दो आया। क्या था ये? धारा से आया, तो धारा से क्या था? धारा 18 तन की था, ये धारा था। अच्छा, करंट का कितना प्रश्न था? करंट लगभग 10 से 12 क्वेश्चन था। 10 से 12 करंट से था? जी जी। एक और क्वेश्चन था कि न्यूमिस्मैटिक को सिक्का के अध्ययन कहते हैं, उसी के अदर ओरोग्राफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? एक था क्वेश्चन कि पीवी सिंधु किसको हराकर 2018 में कांस्य पदक जीते थे? 2018 ओलंपिक। वो था वोडाफोन किस कंपनी के साथ मिलकर एक फोन आईडिया एक कंपनी बनाया। और कोई प्रश्न, हिंदी का कोई प्रश्न है? हिंदी का था, हिंदी आसान था। आइए यहाँ पे हिंदी का कोई प्रश्न बताइए, कहाँ कहाँ से पूछा गया? हिंदी श्वेत का विलोम पूछा था। श्वेत का विलोम था, क्या था? पल्ला पकड़ना था उसका। उसके बाद था और कोई प्रश्न? और था पानी का बतासा। क्या? पानी का बतासा। और कोई प्रश्न याद है? जो दिखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके, उसको क्या कहा जाता है? अदृश्य, अदृश्य। इसके अलावा और ओलंपिक 2020 से भी एक क्वेश्चन यह था कि मेंस हॉकी टीम ने किस देश को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? स्पोर्ट्स से संबंधित कोई और प्रश्न था, आईपीएल से संबंधित। और फिर एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हरा कर क्या बता रहे हैं? हॉकी के रिलेटेड था, क्या था? जो टोक्यो 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, उसमें किसको हराया था? हाँ, इसके अलावा और कोई आप लोगों को प्रश्न याद आ रहा है? अच्छा, कट ऑफ क्या लगता है? आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं तो जनरल के नीचे हम बात करें तो कट ऑफ क्या जाएगा? क्योंकि सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। 50 से 55 कट ऑफ बहुत है, मतलब आज के 50 से 55, मतलब जनरल के लिए 50-55 कट ऑफ है ना, मतलब इतना में हो जाए। बहुत कैलकुलेटिव था, बस मैथ में 5 को बना कर आया, समझ जाइए। सबसे आसान तो रीजनिंग आया था, रीजनिंग आसान था। सबसे आसान हिंदी का लेवल कैसा? हिंदी का लेवल भी टॉप था, हिंदी का लेवल। आप लोग ऐसे बता रहे, लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा हार्ड इसी शिफ्ट में। हाँ, इसी शिफ्ट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इजी लेकर वहाँ पे उसके बाद भाग गुना करने में छोड़ दिया था। सीआई से एग्जैक्ट साल नहीं दे रहा है, मतलब पॉइंट में दे रहा है, 1.3 पॉइंट दे रहा है। 8 मंथ 9 मंथ इस प्रकार से दे रहा है। क्लियर। जीके में क्वेश्चन था कि 2020 तक ओलंपिक खेल में कौन सा एक सदस्य रही थी? वो नीता अंबानी जो थी, वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन और था कि एडीबी में 2018 के अनुसार कितने सदस्य जुड़े हैं? अच्छा, विकास बैंक में। और प्रश्न याद आ रहा आप लोगों को? एक हिंदी में पल्ला पकड़ना था। और पानी का बताशा। अच्छा, पानी का बताशा। अच्छा, ये ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था? रेलगाड़ी से। हाँ, एक पूछा गया था कि नाव धारा से नहीं। एक जीके में क्वेश्चन आया था कि चाल समय दूरी माने डिस्टेंस से कोई किसे रेलवे गवर्नमेंट कब तक अपना लक्ष्य हासिल करेगा, समझा? ऐसे ही कुछ था। तो ऑप्शन बहुत सारा दिया था, 30 था, 35 था, 40 था, 50 था, ऐसे ही था। और सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव था मैथ ही, रीजनिंग आसान था, मतलब बना नहीं। 10-12 से भी ज्यादा हो सकता करंट, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है भी ना, करंट बेसिस पे ही आ रहा है। करंट कब का पूछा गया था? कब का? 20 का भी था, 19 का भी था, 21 का भी था, 18 का भी था, 18 से लेकर 21 साल। हाँ, 18, 19, 20, 21, 4 साल का मैथ के लिए पूछ रहा है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। फ्रेंड्स, जैसा कि देखा, ज़्यादातर उस ट्रेन का क्या कहना है, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ इस शिफ्ट में अगर बात करें तो ज़्यादा मैथ कैलकुलेटिव पूछ रहा है, परसेंटेज एसआई
ये सब मैथ पूछा जा रहा है, लाभ हानि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है तभी आप मैथ बना पाइएगा, क्योंकि मैथ दोस्तों जैसे कि साल का हम बात करें तो अर्धमासिक, छमाही, नमाही ये सब दे रहा है, एग्जैक्ट साल नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ पूछ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करके इसी प्रकार के मैथ पढ़ के आना है, ठीक है, तभी आप बना पाइएगा। रीजनिंग दोस्तों आसान था, रीजनिंग आसानी से आप बना सकते हैं। हिंदी की अगर लेवल की हम बात करें तो हिंदी भी आसान पूछा जा रहा है, ठीक है, 20+ आसानी से प्रश्नों को कर लीजिएगा, प्रवाची सब, विलोम सब, इसके अलावा मुहावरा 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। जीके जीएस और करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर करीब करीब 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 का भी था, 19 का भी था, 20 का भी था और 21 का भी प्रश्न था, यानी पिछले 4 साल का आपका करंट अफेयर पढ़ के आना है। किसी शिफ्ट में 5 पूछ रहा है तो किसी शिफ्ट में 10 पूछ रहा है, तो मिक्स अगर हम बात करें तो 7-8 पूछा जा रहा है। एक्सपेक्टेड कटअप भी हमने पूछा स्टूडेंट का, इस शिफ्ट का अगर हम बात करें तो 60 के आसपास में ज़्यादातर स्टूडेंट बता रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल इस शिफ्ट में टफ था। आगे आने वाले जितने भी दिन दोस्तों एग्जाम होगा सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।